दोस्तों आज हम टाटा ग्रुप के बिजनेसेस को समझेंगे। 1868 में जमशेद जी टाटा के द्वारा एक बैंकरप्ट ऑयल मिल के खरीदे जाने से इस ग्रुप की शुरुआत हुई थी और आज करीबन 150 सालों से भी ज्यादा की प्रेजेंस के बाद इस ग्रुप के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज 150 से भी ज्यादा कंट्रीज में अवेलेबल है। टाटा ग्रुप के पोर्टफोलियो में 28 कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और ये पोर्टफोलियो हाईली डाइवर्सिफाइड है फ्रॉम सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि टाटा की प्रेजेंस मेटल्स, आईटी, फाइनेंस, ऑटोमोटिव, रिटेल, इंफ्रा, टेलीकॉम, टूरिज्म एंड ट्रैवल और एरोस्पेस एंड डिफेंस जैसे सेक्टर्स में भी है। टाटा ग्रुप का कलेक्टिव मार्केट कैप रुपीज 21.70 लाख करोड़ है। अगर मार्केट कैप के अकॉर्डिंग इस ग्रुप की टॉप 5 कंपनीज की बात करें तो उसमें सबसे पहले नंबर पे TCS, सेकंड पे टाइटन, थर्ड पे टाटा मोटर्स, फोर्थ पे टाटा स्टील और फिफ्थ पे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आते हैं। अगर मुनाफे की बात करी जाए तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में टाटा स्टील सबसे प्रॉफिटेबल टाटा कंपनी थी, सेकंड पर TCS, थर्ड पर टाइटन, फोर्थ पे टाटा पावर और फिफ्थ पे टाटा कम्युनिकेशन। इसी के साथ दोस्तों टाटा हमारे देश का वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर भी है। आप कमेंट करके बताइएगा कि अपने रोजमर्रा के जीवन में आप कौन से टाटा प्रोडक्ट को यूज करते हैं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो करें आदर्श गुप्ता को।